ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। सात पाताल लोकों का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, मैंने तुमसे यह पृथ्वी का विस्तार कहा, इसकी ऊंचाई भी 70 सहस्त्र योजन कही जाती है। हे मुनि सतम, अतल, वितल, नितल, गभिस्तमान, महतल, सुतल और पाताल, इन सातों में से प्रत्येक 10-10 सहस्त्र योजन की दूरी पर है। हे मैत्रेय, सुंदर महलों से सुशोभित वहाँ की भूमिया शुक्ल, कृष्ण, अरुण और शीत वर्ण की तथा शक्रामयी, कंकरीली, शैली पत्थर की और सुवर्णमयी है। हे महामुनि, उनमें दानव, दैत्य, यक्ष और बड़े बड़े नाग आदिकों की सैकड़ों जातियां निवास करती हैं। एक बार नारद जी ने पाताल लोक से स्वर्ग में आकर वहाँ के निवासियों से कहा था कि पाताल तो स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है, जहाँ नागगण के आभूषणों में सुंदर प्रभा युक्त अलाद कारिणी शुभ्र मणियां जड़ी हुई हैं और उस पाताल को किसके समान कहें। जहाँ तहाँ दैत्य और दानवों की कन्याओं से सुशोभित पाताल लोक में किस मुक्त पुरुष की भी प्रीति ना होगी। जहाँ दिन में सूर्य की किरणें केवल प्रकाश ही करती हैं, घाम नहीं करती, तथा रात में चंद्रमा की किरणों से शीत नहीं होता, केवल चांदनी ही फैलती है। जहाँ भक्षय तथा भोज्य और महापान आदि के भोगों से आनंदित सर्पों तथा दानव आदिकों को समय जाता हुआ भी प्रतीत नहीं होता। जहाँ सुंदर वन, नदियाँ, रमणीय सरोवर और कमलों के वन हैं, जहाँ नर कोकिलों की सुमधुर कूक गूंजती है एवं आकाश मनोहारी है, और हे द्विज, जहाँ पाताल निवासी दैत्य, दानव एवं नागगण द्वारा अति स्वच्छ आभूषण, सुगंधमय अनुलेपन, वीणा, वेणु और मृदंग आदि के स्वर तथा तूर्य, ये सब एवं भाग्यशालियों के भोगने योग्य और भी अनेक भोग भोगे जाते हैं। पातालों के नीचे भगवान विष्णु का शेष नामक जो तमोमय विग्रह है, उसके गुणों का दैत्य अथवा दानव गण भी वर्णन नहीं कर सकते। जिन देव ऋषि पूजित देव का सिद्ध गण अनंत कहकर बखान करते हैं, वे अति निर्मल, स्पष्ट, स्वस्तिक चिन्हों से विभूषित तथा सहस्त्र सिर वाले हैं, जो अपने फणों की सहस्त्र मणियों से संपूर्ण दिशाओं को दे दीप्यमान करते हुए संसार के कल्याण के लिए समस्त असुरों को वीर्यहीन करते रहते हैं, मद के कारण अरुण नयन सदैव एक ही कुंडल पहने हुए तथा मुकुट और माला आदि धारण किए हुए, जो अग्नि युक्त श्वेत पर्वत के समान सुशोभित हैं, मद से उन्मत्त हुए जो नीलांबर तथा श्वेत हारों से सुशोभित होकर मेघमाला और गंगा प्रवाह से युक्त दूसरे कैलाश पर्वत के समान विराजमान हैं, जो अपने हाथों में हल और उत्तम मूसल धारण किए हैं तथा जिनकी उपासना शोभा और वारुणी देवी स्वयं मूर्तिमती होकर करती हैं, कल्पांत में जिनके मुखों से विषय अग्नि शिखा के समान देदीप्यमान संकर्षण नामक रुद्र निकलकर तीनों लोकों का भक्षण कर जाता है, वे समस्त देवगणों से वंदित शेष भगवान अशेष भूमंडल को मुकुटवत धारण किए हुए पाताल तल में विराजमान हैं। उनका बल, वीर्य, प्रभाव, स्वरूप, तत्व और रूप आकार देवताओं से भी नहीं जाना और कहा जा सकता। जिनके फणों की मणियों की आभा से अरुण वर्ण हुई यह समस्त पृथ्वी फूलों की माला के समान रखी हुई है, उनके बल वीर्य का वर्णन भला कौन करेगा। जिस समय मद मत नयन शेष जी जमुहाई लेते हैं, उस समय समुद्र और वन आदि के सहित यह संपूर्ण पृथ्वी चलायमान हो जाती है। इनके गुणों का अंत गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, नाग और चारण आदि कोई भी नहीं पा सकते, इसीलिए ये अविनाशी देव अनंत कहलाते हैं, जिनका नाग वधुओं द्वारा लेपित हरि चंदन पुनः पुनः श्वास वायु से छूट छूट कर दिशाओं को सुगंधित करता रहता है,
जिनकी आराधना से पूर्वकालीन महर्षि गर्ग ने समस्त ज्योतिर्मंडल, ग्रह नक्षत्र आदि और शकुन अपशकुन आदि नैमित्तिक फलों को तत्वतः जाना था, उन नाग श्रेष्ठ शेष जी ने इस पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है, जो स्वयं भी देव, असुर और मनुष्यों के सहित संपूर्ण लोकमाला, पाताल आदि समस्त लोकों को धारण किए हुए हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश में पांचवा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।